तारीख 25 नवंबर 2022, समय होगा 05:37 PM। ये जो फिल्मी ड्रामा चल रहा है ना, कुछ महिलाओं के दिमाग में इस फिल्मी ड्रामे को हम खत्म ही कर देंगे, ठीक है आज। और वो ये है कि जब इमरान खान ने राबी पीरजदा और मरियम नवाज से मेरा निकाह करवाई दिया, सुनते रहो, जबकि मैं मना कर रहा था कि भाई मैं हिंदू हूँ, फिर भी उन्होंने कहा, मैंने हाँ कर दी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, देखते हैं, यानी कबूल बोलिए। मैं ठीक है, मैंने अब कबूल बोल दिया भाई 3 बार। अब तब से लेके अब तक 3 साल हो गए, 3रा साल चल रहा है, 2020 की बात है, 2020, 2021, 2022, अच्छा जी। अब तब से लेके अब तक जो है इनकी कहानी और इनकी ड्रामेबाजी चल रही है, मैं तो यही कहूँगा जी। तो भाई देखो, ऐसा है, पहले जब नेहरू राय का मामला था तो वो बहुत ड्रामेबाजी हो गई थी, बहुत, मतलब सुन ही नहीं रहे। तब मैंने पंचायत बुला ली थी, महापंचायत, मैं महापंचायत में न्याय होगा सबका, अब ऐसे बात नहीं बनेगी। तब जाके बात शांत हुई, और अभी भी जो है महापंचायत का जो, क्योंकि जो पेनल्टी है और जो बाकी चीज़ें हैं, मैंने महापंचायत में कह दिया था मुझे हरजाना भी चाहिए, तो महापंचायत ने कहा था ठीक है जी, कह कहते हैं आपका हरजाना ही पहुँचा, तो हरजाना तो अभी साहब मेरा पहुँचा है नहीं, ठीक है जो भी आप तय करो। जितना मुझे परेशानी हुई सारी बातें मैंने महापंचायत में बताई थी, एक बात हुई। अब इनके मामले में जो है, देखो मैडम जी ऐसा है, मेरा भी अपना कोई जो है मान सम्मान है, मैंने तो देखो जी सऊदी, देखो सऊदी में ही है सबसे बड़ी शरीयत, काबा की ही होती है, मैंने तो जी शरीयत कॉल कर दिया, मैंने शरीयत में कह दिया, क्योंकि काबा में से मुझे भी जो है ना आलिम का दर्जा तो प्राप्त है। अगर आपने मेरे से निकाह फरमाया है तो आपको मेरे साथ मेरे पास आना ही होगा, सारी बातें तय हैं शुरू से ही, निकाह नामा उसमें कुछ बातें सीधे तौर पर लिखी गई हैं, आपको जाना है और अपने हिसाब के खर्चे के पैसे लेके जाने हैं। इस लड़के ने साफ मना किया था, इसने साफ कहा था मैं खतना नहीं करवाऊंगा जी, और मेरे पास ये खर्चे के पैसे नहीं है, मैं कहाँ रखूँगा इतनी औरतें, साफ बात कही है इसने। और खुद काजी साहब ने भी ये बात कही कि भाई पैसे की आपको चिंता क्या है, पैसे हम दे रहे हैं ना, आप जाओ। तो आज शरीयत क्यों बुलानी पड़ गई, मैं यार 2-4 दिन से ना, कुछ दिन से मैं बड़ी अजीब बात सुन रहा हूँ, जो कि मेरे को ना बहुत गुस्सा आ रहा था। क्यों, राबी पीरजदा जी आप हवा किसे बोलती हैं मुझे तो पता नहीं, पर मुझे, मैं समझ गया आपने किसकी तरफ इशारा किया। बहुत दिन से आप बहुत उलझुल बोल रही थी, मैंने बर्दाश्त किया, पर न्याय की अदालत में लाने की जिम्मेवारी मेरी है, ये धर्म की अदालत है, महापंचायत धर्म की होती है, कानूनन नहीं, धर्म की अदालत में। शादी और विवाह धार्मिक बंधन है। मेरी पत्नी ने जिस दिन मेरे से मुझे अब्यूज़ किया ना, बदतमीजी करी मेरे से, और गाली गलौज पे की बात करने लग गई और उल जुलूल फालतू बोलने लगी, मैंने उसी दिन महापंचायत बुला ली थी। फिर अलग होने की बात हो तो पंचायत ने कहते जी अलग तो सवाल ही नहीं उठता, क्या आप अलग रहो, सवाल ही नहीं उठता, ठीक है ना। भारत में भी जो है सनातन धर्म है, कुछ समाज है, सबकी 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 जो है क्या कहते हैं, महापंचायत ने बढ़िया तरह से खिंचाई करी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक को बुला लिया, अभी भी चल रही है,
ठीक है, और मुझे भी बहुत संयम है, मुझे कोई चिंता नहीं, पर राबी पीरजादा जी आपके एक ऐसी भाषा पे और मरियम नवाज की एक अजीबोगरीब सोच पे मुझे शरीयत बुलानी पड़ गई। वो ये कि मुझसे बात करके आप किसी और से शादी की बात करेंगी और मुझे तरसाएंगी। ये बात मैंने सारा अली खान के मुंह से भी सुनी थी, ठीक है, और इसी एवज में जो है क्या कहते हैं मरियम नवाज ने जो है हमजा शरीफ और शहबाज शरीफ से गले मिलते हुए फ़ोटो खिंचवाई। तो शरीयत में जो है ये बात मैं जो है क्या कहते हैं सबूत के तौर पर रखता हूँ कि जी ये सोच है इसकी और इसने फ़ोटो खिंचवाई ऐसे, ये सोच रखी है मरियम नवाज शरीफ ने। भले हमजा शरीफ इसका भाई था बेटा था मुझे मतलब नहीं, पर इसकी सोच ये थी कि देखा अब किसी को हाथ लगाऊंगी ना तो देखा कितनी इससे मिर्च लगेगी। ठीक है, तो देखो जी ऐसा है मरियम नवाज जी, अब शरीयत में जवाब दे देना। और आप राबी पीरजादा जी, अगर आप ट्विटर पे और यूट्यूब पे बैठ के लंबी लंबी आयतें कुरान की ट्रांसलेट कर रही हैं तो आपको समझना भी होगा कि इस्लाम है क्या। इस्लाम के अनुसार यदि आप ने मुझसे निकाह फरमाया तो निकाह नामे के अनुसार, ठीक है, जो शर्तें हैं वो आपको माननी होगी। मैंने मेरे ही आदेश पे आज आपसे कुरान ले ली गई है। आप कुरान नहीं पढ़ सकती हैं, कुरान की आयतें नहीं पढ़ सकती हैं, और जब तक अगला आदेश नहीं आता आप इस्लामिक जेस्चर में नहीं रह सकती। मुसलमान और इस्लाम का मैं आपको मखौल नहीं बनाने दूंगा आप जैसी औरतों को। मैंने खुद शरीयत अदालत के अंदर जो मैंने मुकदमा दायर किया है उसमें साफ तौर पे ये बात कह दी, आपको टैग भी कर दिया है ट्विटर पे, आप चाहे 6 महीना पुराना या 6 साल पुराना चला रहे मुझे मतलब नहीं है। मैंने साफ तौर पे ये बात कह दी है कि साहब अगर ज़रूरत पड़े तो आप लोग इनको काट के खा जाओ या इनको काट करके जो है आप शेर को खिला दो, पर साहब ऐसा है मैं तो बर्दाश्त करूँगा नहीं जी, ये सोच बर्दाश्त नहीं करूँगा। हाँ, रहे किसी भी वजह से दूर रह रही हो, पढ़ रही है, वीडियो बना रही है, फिल्म में, मैं कुछ नहीं कहूँगा, पर यह बर्दाश्त नहीं करूँगा साहब, ये बर्दाश्त से बाहर है कि तू आज़ादी का नाजायज फायदा उठाए। ठीक है, मेरे द्वारा दी गई आज़ादी, मैंने तुझे कहा कभी कि मैं खुद बना के खाना खा रहा हूँ या कपड़े धो रहा हूँ? मैंने कहा कभी? नहीं कहा ना, एक बार भी बोला कभी कि भी रिकॉर्डिंग सुनी मेरी, सोच भी सुनी? अच्छा कोई बात नहीं। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना मरियम नवाज, आप बनो, ज़रूर बनो, पैसा हम लगाएंगे, ताकत हमारे पास भी है। हम अगर आज अगर आदेश कर देंगे तो क्या बात कर दी, मेरी टीम काम करेगी। पर अगर आपकी सोच हमजा शरीफ जैसी बात को ले, हमजा के बात को लेकर के है, वो जो वहाँ पे पाकिस्तान में जो पंजाब का जो वो था हमजा को लेकर, अगर आप इतनी घटिया सोच रखती हैं तो आप शरीयत में आ जाओ जरा एक बार। अब आप कहोगे कि आप जूदा हो, तो मैडम जी ऐसा है आप सुबह शाम अल्लाह को हाजिर नाजिर जानती हो, आप बोलती हो तो आप मुसलमान हो, हमें मतलब नहीं है, जूदाओं से भी हम निपट लेंगे। कोई हो, जूदा हो, ईसाई हो, वेटिकन हो, बीच में नहीं आ सकता कोई। शरीयत अदालत लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है, और आप यकीन जानिए आईएस इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया और इस्लामिक स्टेट इस शरीयत अदालत की सुरक्षा की जिम्मेवारी लेंगे। 1,00,000 करोड़ रुपया शरीयत अदालत को दिया गया है कि वो इन मुकदमों की सुनवाई करें, और 10,000 करोड़ रुपए शुरुआती आईएस को दिया गया है, इस्लामिक स्टेट को। आप लोग ऐसे नहीं मानेंगी, इतना घटिया जो आपका कार्यक्रम है, जो आप अपना प्रोग्राम लेके चल रही हैं, देवी जी ऐसा है, मैं भी इंसान हूं, मेरा भी अपना मान सम्मान है, समझ में आ गई? पाकिस्तान में अगर 100 औरतों ने भी निकाह किया, मैंने बोल दिया शरीयत में, साहब ऐसा आती लक्ष्मी कौन मना करता है? कहते कोई नहीं करता, निकाह इन्होंने फरमाया, हवा में आने वाली बात को मैं निकाह नहीं मानता, पर हाँ फोटो देख करके और विजुअल पे आप भी जानते हो ये बात, हाँ बिल्कुल जानते हैं, जब हो चुका है तो हो चुका है ना, फिर कोई बात ही नहीं है ना, फिर तो कोई बात ही नहीं रहती है।
और बिना जो है क्या कहते हैं, ये मैं बता रहा हूँ ना साहब, अब कल को यहाँ आकर के कहें कि जूदा हैं ये लोग, जूश हैं, इजरायली हैं, और मेरे घर में आकर मुझे मारे पीटे, आप समझ रहे हैं इनकी बुद्धि सही नहीं है। ऐसी महिलाएं जो हैं इस्लाम को पनपने नहीं देगी। इस्लाम वो थोड़ी है जो इमरान खान चला रहा है। अगर इस्लाम नहीं होता तो काबा रह जाता। सऊदी सुल्तान ने जब क्या कहते हैं पैगंबर साहब की मॉस्क तोड़ने की बात करी, किसी ने कुछ कहा, तेरी इच्छा तू समझ, तू समझ ना, सही है, पर जब न्याय होगा तो होगा। तो ये बार बार एक बात कहती हैं कि सीधे तौर पे मेरे से कि भाई इस्लाम में सबसे पहला अधिकार जो है महिलाओं को है, क्या कहते हैं तलाक देने का, तो है होगा, बिल्कुल होगा, मान ली बात आपकी, और है भी, पर एक ही कारण से कि जब आपका मर्द आपको बच्चा ना दे पाए, अगर वो नाकाबिल है तो आप तलाक ले सकते हैं, क्योंकि एक औरत का सबसे बड़ा सुख संतान होता है, औलाद होती है। अगर वो औलाद देने में सक्षम नहीं है तो आप तलाक ले लें, उससे पहले नहीं। उससे पहले इस्लाम में तलाक को हराम माना गया है, किसी भी कारण से, मन नहीं है, कोई बात है, आप अपने पिता के घर रह सकते हैं जाके, अलग नहीं होने देंगे, नियम ही नहीं है। हलाला जैसी बातों को जो लेके आए हैं, हमने तो ये शब्द ही नहीं सुना भाई, हमें तो पता नहीं है कहां से लेके आए हैं। मैं तो सीधे तौर पे नकारता हूं इसको, तलाक तो होता ही नहीं है। हिंदुओं में भी जो है क्या कहते हैं अलग होना का तो त्याग तो है ही नहीं है, त्याग तो है ही नहीं है। समय हुआ है भाई, ठीक है आप थोड़ा समय अपना अलग बिता लीजिए, बस यही होता है, इससे आता नहीं होता। जोड़ा बन गया तो बन गया, और ये जरूर है कि महिला की इच्छा पे है। अगर वो 100 पुरुषों से जोड़ा बना रही है तो हराम कहलाएगी, पर 100 महिलाएं जो एक पुरुष के साथ जोड़ा बना रही हैं तो वो जायज कहलाता है। शुरू अल्लाह के नाम पे, शुरू ऐसे ही चलता है। शुरू कौन होता है, मैं समझाता हूँ ना। लॉयंस की प्राइड देखा आपने, शेरों का झुंड, उसे लय बोलते हैं, नहीं समझे, शेरों को झुंड को पता है क्या बोलते हैं, लय। लय कब बनता है, लय का मतलब क्या होता है, सुर। सिस्टम ऐसे चलता है, जब प्राइड में एक अल्फा मेल होता है, बाकी फीमेल्स होती हैं, सबके काम बटे हुए होते हैं। इस्लाम में भाषा इंसर है, उर्दू को इंसर कहा गया है, ये मैं नहीं कहता, शुरू कहता है, शुरू लॉइन को कहते हैं। बात कर सकते हैं उनसे, बात करते हैं, वो सब बताते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से, शुरू का अर्थ क्या हुआ, लॉइन हुआ, प्राइड। इंसर लैंग्वेज जो है उर्दू को कहा गया है, ये वो लैंग्वेज है जो शेर अपने नाखूनों से जमीन पे लिखता है। आपको मालूम नहीं है ये लैंग्वेज, जानते हैं इसको पढ़ा कैसे जाता है, जहां शेर बैठा हो जब वो उठ के चला जाए तो वहां देखो जमीन पे लकीरें बनी हुई होंगी, आप उसे ट्रांसलेट करके देख लो ना, आपको उसमें उसकी बात दिखाई, वो ऑर्डर लिख के जाता है वहां पे। सुप्रीम शुरू को माना गया है, आरंभ, समझ रहे हैं। अब जी हाँ, आपको पता नहीं है ये जो उर्दू में अक्षर ये आए कहाँ से, शेर होता है ना लॉइन, वो लिखता है कैसे, लिखता है अपने पंजों से, लिखता है जमीन पे। मुझे कैसे पता, शुरू ने बताया, ये जानते कर मैं पूरा पढ़ सकता हूँ, मैं कहा अच्छा
जो भारत का नेशनल एनिमल है सुरू, उसकी फोटो मैंने भेजी राबी पीरजदा को, टैग करी। देवी जी मैंने नहीं पढ़ा, किसी ने बताया नहीं, जिसकी आवाज सुन रहे थे ना आप, वो मैं नहीं हूँ, नेशनल प्राइड ऑफ इंडिया लॉयन है वो, 28 फुट लंबा है, अब तो बताते 31 फुट हो चुका है, इतना तगड़ा है। पर वो जहां बैठता है ना, वो अपने नाखूनों से लिखता है, पढ़ना होता है, ध्यान से देख, उर्दू भाषा नाखूनों से लिखी गई है, नाखून जिसमें खून नहीं होता। उसने मुझे बताया कि ना का मतलब हाँ होता है, मैंने कहां से पढ़ ली, मैंने जो आपको तख्ती भेजी, तख्ती बोलते हैं उसे, उस तख्ती पे क्या लिखा हुआ मुझे कैसे पता, मैंने ट्रांसलेट कैसे कर लिया, मैं शुरू से पूछता रहा उसकी फोटो सर्वर से, उनकी फोटो है मेरे पास। तस्वीर को कम करके मत आंको, आप जवाब दे दीजिएगा शरीयत में, मैं तो हाथ जोड़ता हूँ भाई ऐसी सोच से, बहुत हाथ जोड़ता हूँ मैं नहीं जानता ये पिप्पा इप्पा क्या होता, सेलिब्रिटी बनने का मेरे को इतना शौक है नहीं, जीवन बहुत साधारण तरीके से जिए, समझ में आ गई, श्री राम की भक्ति चलती है, किसी को तंग करने की इच्छा नहीं रहती है, पहले कभी रहा होगा पर जब से मैं धर्म के रास्ते पे गया ना, मैंने ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं, पर जब पूरी तरह से ही मुझे तंग करने पे उतर गए तो मैं देखो फिर मज़ा, फिर अब देखो मज़ा कितना आने वाला है तुम्हें, ठीक है ना, जवाब दे दीजिएगा राबी जी, मैं ऐसी सोच नहीं रखता हूँ, साफ सीधी बात है, ये मेरा निवास स्थान है, अब इसमें रहने के, मैं तो साफ बोल दिया काजी साहब को, अब इस घर में 50 के रहने की जगह हो चाहे 25 के, मैं क्या कर सकता हूँ जी, पर जिसने मुंह खोल के मेरे से बात करी कि मुझे आपसे निकाह करना है, मैं आपसे निकाह करती हूँ, मैं ठीक है जी, बस ये बात है, अब चाहे वो उजमा बुखारी हो, चाहे बख्तावर जरदारी हो, चाहे कोई हो ना, मंच पे तो मैं चढ़ने नहीं दूंगा तुम्हें, नहीं शरीयत में आ जा भाई, इस्लाम का माहौल बनाने दूं मैं तुझे, तू है क्या भाई, किस वजह से नमाज पढ़ने की बात कर रही है, ईद की बात कर रही है, रोजा रखने की बात कर रही है, दूर ही रह ले। मैंने बताया मैं उस दिन निजामुद्दीन गया ना, तो मैं बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, क्यों कर रहा था मैं बताता हूँ तुझे, निजामुद्दीन में जाके बैठा, चाय पीने उन्होंने मेरे को स्पेशल ऑर्डर दिए कि आप यहाँ बैठिए और चाय पीजिए, मैं हाँ जी जरूर, मैं बैठा चाय पीने तो वहाँ कुछ और लोग आ गए, वो दाढ़ी वाड़ी सब थी भाई, सुन्नत रखी हुई, बड़ा अनईजी महसूस करा, जानती हैं क्यों, उस्ताद लोग हैं भाई, जामा मस्जिद जाता हूँ ना, वो छोटे पजामे वालों को देखता हूँ बड़ा अजीब सा महसूस होता, उस्ताद लोग हैं वो, बहुत पढ़े लिखे हैं, हिम्मत नहीं होती वहाँ खड़े होने, मैं निकलो बैठा यहाँ से फटाफट, कुछ पूछ लिया तो क्या हालत होगी समझे, भाग जाते हैं हम वहां से, इनके चाकू छुरी से डर वाली बात है ही नहीं कभी जिंदगी में, अब मुझे भाई आपके यहां जो है सलाम कहना सबसे बड़ी बात होती है, हमने जो सीखा उसमें पैर छूना सबसे बड़ी बात होती है, तो गलत क्या है, उतने उस्तादों के बीच में वो आके बैठे, उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन कराया सबसे वहां पे स्पेशल ऑर्डर में कि ये है, इनको जो है काबा से आलिम का दर्जा प्राप्त हुआ है, मैं चाय पी, मैंने कहा इससे पहले कुछ पूछताछ शुरू हो, घूमने फिरने चल बिलाल, ये हकीकत है, नहीं हिम्मत बनती भाई, नहीं हिम्मत बनती, उस्तादों के उस्ताद समझते हो किसे कहते हैं, पढ़ते हैं दिन रात, हमारी पढ़ाई थोड़ी सी अलग है, क्या करें भाई, जितने में अवेलेबल है उतने में कर रहे हैं, पर हाँ ये है दो चार बात ही जो है ना वही एकदम विस्फोटक निकाल के लाते हैं, एकदम RDX नहीं लाते हैं, बातें हमारी ऐसी होती है ऐसा धमाका कर देंगी ना कि लोग सोच में पड़ जाते हैं, अब समझे उर्दू का जन्म कैसे हुआ है, है? नहीं पता, मैं बताता हूँ आपको, उर्दू का जन्म जो है शुरू ने किया, शुरू मतलब लॉइन से हुआ है, लॉइन के नखून जो होते हैं नोटिस करो, वो बताएगा वर्ल्ड विश्व के रहस्य, सब बताता है वो, इतने खतरनाक तरीके से बताएगा, मतलब डांटता नहीं है,
बड़े अच्छे से बताता है। अब उनको उन्होंने बताया कि इंसर लैंग्वेज है, फीमेल्स की लैंग्वेज है, इसे महिलाएं लिखती हैं, इंसर्जेंसी बोलते हैं इसे। कहते इनको, इनके बारे में जो बातें बताई तो बहुत गोपनीय है, मैं उसको तो नहीं बता रहा हूं यहां पे। उनकी आवाज इतनी सुंदर है आप सोच नहीं सकते आप लोग। इस प्रकार से उर्दू का जन्म हुआ है, समझे। जहां एनिमल्स खड़े हो, वाइल्ड एनिमल्स, वहां आसपास जमीन पे देखो, वो पैर से कुछ बनाते हैं, लिखते हैं, भाषा ऐसे बनती है। इस प्रकार उर्दू का जन्म माना गया। जेस्चर्स, छोटे छोटे अक्षर जो उसमें बने हैं, जो ज्यादा घुमावदार नहीं है, ज्यादा बड़े नहीं है, जो ज्यादा अक्षर बड़े नहीं है, वो जेस्चर्स हैं। जैसे कान फड़फड़ाना, सारी चीजें लिखी है, फिर उसका मतलब बताते हैं, इसका मतलब क्या हुआ। तीन ही बातें होती हैं उन्होंने जो मुझे बताई, कि तीन ही आदेश होते हैं तेज। मैं जी बताएं, कह रहे एक तो होता है नमस्ते कहना, अच्छा, कह रहे दो ही तीन बातें कहते हैं हम लोग, इससे ज्यादा भाषा नहीं होती ना हम बात करते। दूसरा होता है हमला करना या खाना खाने का आदेश देना, बस और कुछ नहीं। चलो बस यही ऑर्डर्स होते हैं और यही आदेश होती है, यही भाषा होती है। जैसे शुरू नम, तो मैं अगर उनको देखूंगा तो मैं उनको नमस्ते बोलता हूं, तो संस्कृत में नमः है तो कहते नम होता है, ठीक है जी। उर्दू भाषा में जो बिंदी होती है उसे पता है क्या बोलते हैं, धम। क्यों? हाथी के पैर को, हाथी के पैर के पटकने को धम बोला जाता है। मुझे तो नहीं पढ़ाया किसी ने, पढ़ा ना, इतने ठीक तो अच्छा लगता है। अब शुरू खा, बस। इंसर्जेंट्स, शेर को खाने का आदेश देना। उन्होंने भी फिर मतलब कम से कम हफ्ते भर बाद फिर मुझे भी बोला, मुझे भी नाम दिया, मुझे कैटेगरी दी शुरू। तो मैंने उनको कहा कि साहब बहुत बड़ा नाम है, मैं ये कैटेगरी कैसे रखूं, जंप ठीक है, पर नहीं शुरू ही ठीक है तेरे लिए। फिर उन्होंने भी मेरे को एक दिन कहा शुरू खा, मतलब मुझे भी खाना खाने का आदेश दिया, अब खाना खाओ सब।